वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो था। लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो में फॉलो करते हैं सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान रखिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सर्विस पर मैं अलका पांडे तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान के दस सवाल ठीक है जो आप जो आपकी आने वाली यू पी पी सी एस का एग्ज़ाम हो एम पी पी सी एस हो उत्तराखंड हो या फिर आपका आर ओ आर ओ का री एग्ज़ाम हो इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है जैसे ये सवाल आपको दिए जा रहे हैं ऐसे ही आपको किसी भी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करनी हो इसी तरीके के सवाल इतना ही हाई क्वालिटी का मेटेरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके लिए अगर आपको कोई पेड ग्रुप भी ज्वाइन करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने विज्ञान के दस सवाल तो सबसे पहला है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दिया गया कि समस्थानिक के भौतिक गुण हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं ठीक है समस्थानिक के इलेक्ट्रॉनों को ऋणात्मक रूप से आवेश इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणात्मक रूप से आवेशित कर होते हैं और प्रोटॉन जो हैं वो धनात्मक रूप से आवेशित कण होते, है आवेश होते हैं और न्यूट्रॉन आवेश रहित कण होते हैं फिर दिया गया कि किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन की तुलना में दो हज़ार गुना अधिक होता है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है ठीक है तो यहाँ पे देखिए केवल दूसरा कथन सही है अब देखिए इसमें बात करें कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की ये प्रोटॉन की तुलना में लगभग एक बटा दो हजार गुना होता है ठीक है एक बटा दो दो हजार गुना होता है और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को एक इकाई के रूप में लिया जाता है और समस्थानिकों के बारे में जो दिया गया है इसमें समस्थानिकों का गुण ये है कि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होता है अब आगे बढ़ते हैं कथनों पर विचार करना है आपको पहला कथन दिया गया है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्र की खोज की ठीक फिर है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है ठीक है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारेगम्य झिल्ली कहा जाता है फिर है प्रसार किसी पदार्थ के उच्च संकेंद्रण वाले क्षेत्र से निम्न संकेंद्रण वाले क्षेत्र की ओर चलने वाली गति को कहा जाता है तो ये तो प्रसार हो गया फिर है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन दोनों ही गैसें प्रसार के द्वारे का द्वारा कोलिक झिल्ली में स्थानांतरित हो सकती हैं तो पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो इसमें देखिए दोनों स्टेटमेंट चारों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं ये सब के सब एकदम सही हैं इनको एज इट इज़ आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा ठीक है या आपको हो सकता है एक साथ भी एग्जाम में पूछ दें या फिर अलग अलग करके भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं अगला पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है तो सबसे पहले है परासरण के अंतर्गत उच्च विलायक सांद्रता के एक क्षेत्र से एक अर्ध पारिगम्य झिल्ली के माध्यम से कम विलायता सांद्रता क्षेत्र की ओर विलायक की गति होती है ठीक है तो मतलब क्या बताया गया है कि उच्च विलाय उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक की गति फिर है परासर के माध्यम से को जल कोशिका के भीतर प्रवेश कर सकता है और तीसरा है परासर परासरण एक चुनिंदा पारिगम झिल्ली के माध्यम से प्रसार की एक विशेष परिस्थिति होती है तो पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है ठीक तो देखे देखे यानी देखिए ये परासरण यानी ऑस्मोसिस के बारे में तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है ठीक है तीनों एकदम सही है कि अर्धपारिगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च विलायक सांद्रता से कम विलायक सांद्रता की ओर इसकी गति ठीक है इसके माध्यम से यानी ऑस्मोसिस के माध्यम से जो जल है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकता है ठीक है और जो ये तीसरा स्टेटमेंट है कि परासरण एक चुनिंदा पारिगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रसार की एक विशेष परिस्थिति होती है ये भी स्टेटमेंट सही है अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है पहला स्टेटमेंट है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य से बनी होती है ठीक फिर कोशिका द्रव्य का जब संकुचन कोशिका द्रव्य का संकुचन तब होता है जब एक जीवित पौधे की कोशिका से परासरण के माध्यम से जल निष्कासित हो जाता है तो इसमें पूछा गया है कि आपसे कि इन दोनों में से जो उपरोक्त दोनों कथन हैं इनमें से कौन सा सही है ठीक तो इसमें देखिए इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं ये आपका कोशिका द्रव्य के बारे में जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं वो एकदम सही हैं दोनों के दोनों ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा फिर आगे बढ़ते हैं आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि दिया गया कि खुरदुरा एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यानी रीई आर ई पी आर जिसको कहते हैं एक माइक्रोस्कोप से के नीचे खुरदुरा दिखता है क्योंकि इसमें लाइमोसोम नामक कण होते हैं जो इनकी सतह से जुड़े होते हैं तो ये हो गया सबसे पहले आर ई पी आर के बारे में फिर राइबोसोम जो है ये सभी सक्रिय कोशिकाओं में मौजूद रहते हैं और इस प्रकार वे प्रोटीन का निर्माण स्थल होते हैं तो पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है ठीक है इसको पढ़ लीजिए दोनों स्टेटमेंट देखिए तो इसमें देखिए केवल दूसरा जो है ये सही है केवल दो यहाँ पे केवल दो राइट आंसर होगा क्योंकि जो, जो आर ई पी आर जो मैंने बताया यानी खुरदुरा एंडोप्लाजम रेटिकुलम ये क्या है ये एक माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदुरा दिखता है क्योंकि इसमें राइबोसोम नामक कड़ होते हैं ठीक है लाइसोसोम नहीं इसमें राइबोसोम नामक कड़ होते हैं जो इनकी सतह से जुड़े होते हैं ठीक है और राइबोसोम के बारे में जो दिया है वो बिल्कुल सही है तो दो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है पहला वाला गलत है लाइसोसोम की जगह राइबोसोम होगा फिर अब आगे बढ़ते हैं आपको मिलान करना है ठीक है मिलान करना है और एक एक से एक लिस्ट में दिया है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम गोल्जिकाई लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड और रिक्तिका और वहाँ पे उसमें क्या कार्य होता है या किस नाम से जाना जाता है वो पूछा वो दिया गया है ठीक है तो इसमें देखिए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये क्या है ये है प्रोटीन हस्तांतरण के लिए इसमें हमने पढ़ा था ना राइबोसोम फिर उसके बाद प्रोटीन का निर्माण होता है तो ये प्रोटीन हस्तांतरण हो गया आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम दूसरा आता है गॉल्जी काय क्या है काय है एकत्रण और हस्तांतरण स्थल ठीक है ये हो गया एकत्रण और हस्तांतरण स्थल हो गया लाइसोसोम लाइसोसोम आत्महत्या बैग के रूप में इसको जाना जाता है ठीक है लाइसोसोम को आत्महत्या बैग हो गया फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एटीपी संश्लेषक है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी संश्लेषक है प्लास्टिड जो है वो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और रिक्तिका जो है वो एकत्रण थैली है तो इस प्रकार से ऑप्शन बी ये इनका सही मिलान है ये देखिए जो दिया गया है ना इनको एज़ इट इज़ ये जो लिस्ट है बिल्कुल उसको याद कर जाइएगा मैं फिर से बोल दे रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन हस्तानांतरण के लिए गोल्जिकाई जो है वो एकत्रण और हस्तानांतरण स्थल है लाइसोसोम आत्महत्या बैग है माइटोकॉन्ड्रिया ए संश्लेषक प्लास्टिड जो है क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट रिक्तिका जो है एकत्र थैली ये तो या तो आपको मिलान करने को दे देगा या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि जैसे आत्महत्या बैग के रूप में किसको जाना जाता है ऑप्शन में दे देगा लाइसोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ट्रिया प्लास्टिड तो आपको पता होना चाहिए कि आत्महत्या बैग जो है वो लाइसोसोम कहलाता है तो इस तरीके से ये जो छेद दिए हैं इनको याद कर लीजिएगा रट लीजिएगा अब आगे बोलते हैं बहुत ही अच्छा सवाल था अब आगे बढ़ते हैं अगला है देखिए कि आपको निम्नलिखित विकल्पों का मिलान करना है ठीक है इसमें मिलान करना है और दिया गया है पैरन कायमा कोलनकाइमा और स्क्लेरन कायमा दिया गया है भोजन भोजन को सख्त बनाना और लचीलापन प्रदान करना ठीक है तो इसमें क्या होगा पैरन क्लाइमा भोजन हो गया ठीक है कोलन कोलन काइमा लचीलापन प्रदान करना और स्क्लेरेन काइमा ये हो गया पौधों को सख्त बनाना ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही होगा इसको याद कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दिया गया कि जाइलम और फ्लोइम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो जाइलम फ्लोइम देखिए पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है एक सवाल लगभग आ, हर एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं तो देखिए जाइलम के बारे में लिया गया है पहला स्टेटमेंट है कि जाइलम की संरचना में ट्रेकिट्स वाहिकाएं, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम रेसे शामिल होते हैं जबकि फ्लोएम चार प्रकार के तत्वों से बना होता है इसमें होती है छलनी ट्यूब संलग्न कोशिकाएं और फ्लोएम रेसे और फ्लोएम पैरेंकाइमा ठीक है और दूसरा है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल स्थायी प्रकार के उतक होते हैं ठीक तो इसमें कौन सा सही है तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोनों का दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अब आपको बताना है कि ज़ाइलम ये आपका जाइलम जाइलम हो गया फ्लोएम हो गया इन दोनों में से पौधों में जो है वो इसका फूड 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 पहुंचाने का काम कर कौन करता है और ये वाटर पहुंचाने का काम कौन करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जाइलम फ्लोएम में से पानी पहुंचाना किसका काम है भोजन पहुंचाना किसका काम है ये आपके पी में ये पूछा जा चुका है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आगे देखिए आपको निम्नलिखित कथनों में विचार करना है दिया गया कि रक्त और मांसपेशियां हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं ठीक फिर है अगला कि हड्डियाँ स्नायुबंधन और उपास्थि हमारे शरीर में संयोजी ऊतक होते हैं अगला है मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका ये सभी तंत्रिका ऊतक से बने होते हैं तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है तो इसमें तो सही देखिए भाई तीनों हैं ठीक है तीनों सही है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं ये हम सबको पता है जिसमें देखिए एरोलेर ऊतक हो गया वसा ऊतक हो गया हड्डी है कंडरा है अस्थिबंध है उपास्थि है रक्त शामिल होते हैं ठीक है तंत्रिका ऊतक स्नायु के बने होते हैं और जो विभिन्न संकेतों को प्राप्त और संचालित करते हैं ठीक है ये सभी तंत्रिका ऊतक के बारे में हो गया तो तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है ऊतकों के बारे में देख लीजिएगा इसको अब आगे बढ़ते हैं अगला और आज का हमारा आखिरी सवाल रहे रहेगा कि इनमें से कौन सा वर्गीकरण करण समूहों के पदानुक्रम का एक सही क्रम है ठीक है एक सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा है तो इसमें देखिए हम सीधा सही जवाब ही पढ़ते हैं इसमें है सबसे पहले फाइलम फाइलम जानवरों के लिए और डिवीजन जो है ये पौधों के लिए ठीक है फाइलम या डिवीज़न हो गया उसके बाद वर्ग आता है वर्ग के बाद गण है कुल है वंश है और जाति है ठीक है वर्ग गण कुल वंश जाति फाइलम डिवीज़न उसके बाद फाइलम फाइलम और डिवीज़न हो गया फाइलम फॉर एनिमल्स डिवीज़न फॉर प्लांट्स उसके बाद आपका आता है क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज ऐसे आप याद कर सकते हैं ठीक है <coughs> आपका हो गया फ्लाइन फ्ल, फाइलम और डिवीज़न ठीक है तो ये तो हो गया हमारे दस सवाल ठीक है ये हो गया हमारे दस सवाल इसके अलावा देखिए एक एडिशनल जानकारी आप लोगों को दे देते हैं कि हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड ग्रुप चल रहे हैं ठीक है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं इसमें आपका यूपी का एग्ज़ाम है आपका आर ओ आर ओ का री री एग्ज़ाम है इसी तरह हाल ही में अभी देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी पेड ग्रुप चलाया जा रहा है इसके अलावा यूपी प्री कम कमेंस का प्री कम कमेंस का वो पेड ग्रुप चल रहा है इस तो तरह आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका आप पेड ग्रुप ले सकते हैं इसका देखिए क्या फ़ायदा है इसमें आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है आपको लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी ठीक है डिस्कसन ग्रुप वगैरह में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री में डिस्कसन कर सकते हैं डाउट क्लियर किया जा सकता है आपका तो इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो बस बने रहिए थैंक यू सो मच